जी के सेंसर बोर्ड पहले कहाँ था, कहाँ सो रहा था, भाड़ में गया था क्या? जिस समय ये पिक्चर यहाँ पे आने वाली स्थिति थी, सेंसर बोर्ड तक ही तो गई होगी ना पहले जी। तब क्या कर रहा था सेंसर बोर्ड? और अब इतना हल्ला मचने के बाद और चंद लोग जो इस सब को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, अब जागा है तो स्वाभाविक है कि ये सब उनके दबाव में हो रहा है, क्योंकि आखिर में मानसिकता तो सभी की एक है ना, जितने भी लोग इसमें हल्ला मचा रहे हैं। और अगर सेंसर बोर्ड वाकई में इस पर कैंची चलाने की बात कर रहा, उस सीन पर भी, फिल्म पर भी, सारी चीजें, तो फिर तो सेंसर बोर्ड को बहुत पीछे की जो चीजें मीडिया पर दिखाई जा रही हैं, जो यूट्यूब पर दिखाई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार दिख रही हैं, जब व्हाट्सएप ग्रुप में कई आ रही हैं, उन सब का क्या जवाब है सेंसर बोर्ड के पास में? कोई है जवाब? या ये है कि तुम कुछ भी करते रहो, जब तक कोई हल्ला नहीं मचाएगा तब तक तुम सोए रहो, इसका यही मतलब है? आपको लग रहा है सर, अगर कोई लोग आकर सोशल मीडिया पर आकर विरोध करते हैं और जो है भगवा गमछा जो है गले में डाले, कहे कि ये हिंदू का भी जो है अपमान हो रहा है, तो जो है ये फिल्म बोर्ड ये सब जो है अपना ये सब काट देगा फिल्मों को? देखिए, कोई भी कर दे ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इस बात से सहमत हूँ कि जो भगवा जो मतलब भगवा गमछा और ये कपड़ा डाल के और आके विरोध करने लगे, तब निश्चित रूप से बात है, क्योंकि फिर मैंने बताया ना अभी जो मैंने कही कि हैं तो एक ही मानसिकता के, एक ही तरह के लोग हैं ना, तो सारी चीजें उसको संतुष्ट करने के लिए ये सारी चीजें करती हैं। और ये जितनी भी भावनाएं इनकी आहत हो रही है ना, जिस तरह से भी हो रही है, ये भावना में जब तक आहत है, जब तक बीजेपी सरकार सत्ता में है, चाहे वो केंद्र में या राज्यों में, जिस दिन इनकी सरकार केंद्र से चली गई, जिस दिन राज्यों से इनकी सरकारें चली गई, इनकी भावनाएं भी आहत होना बंद हो जाएंगी अपने आप। मोदी ने हिंदुओं को जगा दिया ना? मोदी ने जगाया नहीं, मोदी तो खुद ही सो रहा है, मोदी कहां जगावेगा और वो हिंदुओं को, मूर्ख बनाया जा रहा हिंदुओं को। क्या मोदी के पास में इस बात का जवाब है? आपने मोदी की बात की, मैं जानना चाहता हूं, क्या मोदी के पास, मोदी सरकार के पास, भाजपा की किसी सरकार के पास या जितनी भी सरकार है इनके पास इस बात का जवाब है कि हिंदुओं की इतनी नौकरियां खत्म हो गई? 27 करोड़ इस देश में जो है बेरोजगार हैं, जिनमें 17 करोड़ लोग डिग्रीधारी हैं। और आप भी इस बात को जानते होंगे कि जो उनमें है 17 करोड़ डिग्रीधारियों में, उनमें अधिकतर हिंदू हैं। रोजगार दो ना उन्हें, क्यों नहीं दे रहे उन्हें रोजगार? यह है असली समस्या। इसका जवाब है क्या उनके पास में, मोदी के पास या किसी सरकार के पास में? नहीं है। सो हिंदुओं को केवल मूर्ख बनाया जा रहा है, ताकि धर्म के नाम पर उनकी भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीता जा सके और सत्ता में बनी रह सके बीजेपी, और कुछ नहीं। सर, क्या आपको लग रहा है जो सेंसर बोर्ड है वो प्रधानमंत्री मोदी खुद कंट्रोल कर रहे हैं, मोदी जी के दबाव में है सेंसर बोर्ड? और क्या इस फिल्म को लेकर भी क्या है प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आ रहे हैं आपको लगता है? देखिए, जब आप ये कह रहे हैं अरुण जी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आ रहे हैं, और हम में से हर कोई इस बात को जानता है, ये तो ओपन सीक्रेट है आज की तारीख में, कि इस देश में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ आदेश आ रहे हैं, वो सब पीएमओ से आ रहे हैं। बाकी तो मंत्री संतरी ये तो सब नाम के हैं, इनके पास कोई पावर तो है नहीं, ये अपनी मर्जी से कुछ कर तो सकते नहीं, अपनी विचार शक्ति इनकी पूरी तरह से शून्य है। जो भी कुछ होना है पीएमओ से होना है, और जब पीएमओ से होना है तो स्वाभाविक है कि वो प्रधानमंत्री का ही आदेश माना जाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वही प्रधानमंत्री बाकी 18 घंटे काम कर रहे हैं, हर चीज मोदी जी को देखनी पड़ रही है? नहीं, 18 घंटे नहीं, मैं तो समझता हूँ अगर प्रधानमंत्री 18 मिनट भी इस देश के लिए काम करे तो देश की मतलब हालत बहुत अच्छी है। 18 मिनट, 18 घंटे तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कहा जा रहा है ये सर, 18 घंटे जो आदमी, हाँ एक बात तो कह सकता हूं कि 18 घंटे भाषण देने के लिए, चुनावी मोड में रहने के लिए मोदी तैयार रहते होंगे, ये तो मान सकता हूं। देश के लिए काम करते हैं? कतई नहीं, किसी हालत में नहीं। अगर कोई व्यक्ति 18 मिनट भी काम कर ले ईमानदारी से देश का प्रधानमंत्री, तो देश की जो है हालत कुछ और हो जाएगी। आज की तारीख में क्या है, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भुखमरी चरम पर, जातिवाद चरम पर, धार्मिक भेदभाव चरम पर, महिलाओं की बुरी स्थिति दुर्गति चरम पर, इस देश में मजदूरों की स्थिति बहुत बुरी है, बिल्कुल चरम पर है, किसानों की हालत सबसे ज्यादा बुरी आज के समय में। किसकी बात कर रहे हो?
जो इस देश के जो है रिटायर्ड फौजी हैं उनकी स्थिति चरम पर, बुरी स्थिति है उनकी। यह हालत है, किसकी बात कर रहे हो आप? सर आप कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, इस तरीके से जो है अभी फिल्मों का बायकॉट करना, पकोड़े तलना, लिंचिंग करना, भाजपा के जो नेता उसको जो है इस सब को जो है रोजगार से, रोजगार के नजरों से ही देख रहे हैं। नहीं, रोजगार की नजरों से नहीं देख रहे हैं, वो तो धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के अलावा इस देश में राजनीति करने के लिए भाजपा के पास और कुछ सब्जेक्ट नहीं है। मैंने अभी बताई इतनी चीजें बताई आपको, गिनाता हूं। महंगाई पे क्या जवाब देगी सरकार? जो देश में डॉलर की स्थिति मजबूत होती जा रही है और रुपया गिरता चला जा रहा है, उस पर क्या जवाब देगी सरकार? पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, क्या देगी सरकार जवाब? गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं, क्या देगी सरकार इस बात के जवाब? 2022 इससे में चला, आज 29 तारीख है, दो दिन बाकी रह गए 30 और 31। दो गुनी करने की बात कही थी किसानों की आमदनी, 40% कम हो गई, जवाब है सरकार के पास? नहीं है। मजदूरों की स्थिति कितनी बदतर होगी इसका जवाब है सरकार के पास? नहीं है। महिलाओं के साथ किस कदर अत्याचार इस देश में हो रहे हैं इसका जवाब है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, डकैती, कत्ल, बलात्कार, अपहरण चरम पर है आज की तारीख में, क्या जवाब है सरकार के पास? सिद्धार्थ कोई नहीं, तो उनके पास राजनीति करने के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। तो शाहरुख खान को सर क्यों टारगेट किया जा रहा है? भाई मुसलमान है ना वो, शाहरुख खान, खान खान मींस मुसलमान, और फिल्म का नाम भी पठान, और वो भी पठान, क्या लगा? और एक वीडियो नहीं देखी? एक वीडियो नहीं देखी? उसमें मोदी जी कहीं भाषण कर रहे होंगे कि मैं पठान का बच्चा हूं, पता नहीं किस किस के बच्चे हैं, ये भी समझ में नहीं आता, कहीं पठान का बच्चा कहते हैं, कहीं किसी का बच्चा कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, मोदी जी का पता नहीं। नहीं वो तो आप क्या बात कर रहे हो, तो मोदी जी क्लिप, मैं कह रहा हूँ ये तो शब्द इस्तेमाल कर ही रहे हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ, बस तो क्या बताऊँ क्या, ये है सारी चीज। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आपने वो गाना देखा सर, पहले आपसे एक सवाल, वो गाना देखा आपने? कौन सा? भगवा वाला यार, मेरे पास इतना जो गाना है भाई, मुझे मेरे पास इतना समय नहीं है इन फालतू फंड की चीजों के लिए, मैं अपना काम करता हूँ भाई, लोगों के लिए काम करना है, लोगों को जगाना है, इस देश में ईवीएम को हटाना है और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना, मैं उसके लिए काम करता हूँ भाई। उसमें ये देखा गया जो दीपिका पादुकोण जो एक्टर है वो कई कलर के जो है कपड़े पहने हुए, जिसमें हरा जो है, सफेद है, नीला, सभी तरीके के कपड़े, सभी कलर के कपड़े पहने हुए, लेकिन वहाँ पे भगवा कपड़ा का ही टारगेट। यार मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, नीला कपड़ा भी आपकी भावना है तो नीले से भी नहीं हो रही है यार। आप एक बात बताइए अरुण जी, जाहिद, आप सारे लोग, कोई रंग क्या किसी का पेटेंट करा हुआ है? ये सारे रंग जितने भी हैं, जितने तरह के रंग हैं इस दुनिया में, वो प्रकृति के रंग हैं, नेचर के हैं, और कोई भी रंग किसी की बपति नहीं हो सकता, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी संस्था की, ना किसी पार्टी की, किसी की कोई बपति नहीं है, इसे कोई पेटेंट भी नहीं करा सकता है। और इस रंग को लेकर कोई व्यक्ति ये सारी चीजें कहे कि भैया इससे मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो भैया पहले कहा गई, अब ये शाहरुख खान की फिल्म में आ गया, और खान मींस मुसलमान, और वो मुसलमान है, और इस देश का एक चढ़ता हुआ, एक मतलब चमकता हुआ वो सितारा है, उसकी वजह से बहुत लोगों का रोजगार चलता है, फिल्म इंडस्ट्री चलती है। क्या सर इसके खिलाफ लोग कोर्ट भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, जाना चाहिए, जाना चाहिए लोगों को कि भैया ये हो रहा है, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी जो है उस पर पहरा लगाने की कोशिश की जा रही है, तो जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। सर आपने देखा होगा कि एक तरफ जो है जो दलित समाज के लोग हैं या जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मंदिर जाने से डरते थे कि कहीं कोई हंगामा ना हो जाए, अब जो है ये ऑरेंज भगवा पे भी जो है क्या नाम विवाद चल रहा है, तो क्या लग रहा है आप लोग संतरा खाने से भी डरेंगे? भैया जिसे डरना है वो डरे, हाँ ये बात वैसे सही कही, संतरा को लेकर क्योंकि संतरा जो भगवा है भाई ऐसे कोई दूसरा नहीं खा सकता, ऐसे भी होनी चाहिए, वो रंग भी तो उसका ऐसे ही है। देखिए ये नासमझ लोगों की या इस देश के मतलब असली जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, आम जनता के, आम लोगों के मुद्दे, वो बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इन सभी जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं
जो इसी तरह के जुमले सारी कह रहे हैं कि शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप करा देंगे, वो चने बेचने के लिए मजबूर कर देंगे, उसको आर्थिक तौर पे बिल्कुल खत्म कर देंगे, इसको लेकर क्या आप कहना? उनका ये भी तर्क है कि शाहरुख खान जो है खाता भारत की और खाता पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में पैसा भेजता है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए आरोप लगाने में क्या है, कोई कुछ भी लगा दे भैया, कोशिश कर लो जो भी कुछ करना है उसमें करने में मानना तो कोई किसी को है ही नहीं, जो तुम करना चाहते हो करो, कि उसे चने बिकवा देंगे कुछ बिका देंगे। शाहरुख खान की फिल्में जो चलती हैं भारत में चलती हैं, भारत में बनती हैं, भारत के ही प्रोड्यूसर होते हैं, भारत के ही डायरेक्टर होते हैं, भारत के ही काम करने वाले लोग होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री भारत की है वो, तो रोजगार यहां मिलता है लोगों को, रोटी यहां मिलती है उसकी फिल्मों से, उसके काम से। और ये जो सारी चीजें हैं कि उसका ये बंद करा देंगे वो बंद करा देंगे, ये उस मानसिकता को दर्शाती है जो इस देश में मुसलमानों के प्रति लगातार मानसिकता काम कर रही है, वो घृणा, वो नफरत, वो मुसलमानों को लेकर, और वो भी सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं। सर कुछ साधु संत हैं, एक क्या नाम आचार्य परमहंस है, बाबा परमहंस अयोध्या के हैं, वो जो है शाहरुख खान को खुल्ला खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं, और पैर भी कर दिए, कह रहे हैं कि हम उनको जो अगर मेरे सामने आ जाए तो हम जिंदा जला देंगे, पैर भी कर दिए। मैं समझता हूं जिन्हें आप साधु संत कह रहे हो, अगर सही मायने में कोई साधु है जी और सही मायने में कोई संत है, उसके मुंह से एक भी अपशब्द अपने कट्टर दुश्मन के लिए भी नहीं निकल सकता, एक भी शब्द। अगर कोई साधु और संत है ईमानदारी से, तो इसका पता आप लगाओ कि ये लोग कौन है। ये लोग जो लोगों को कत्ल करने की भाषा बोल रहे हैं, जो लोगों को मारने की भाषा बोल रहे हैं, ये लोग जो इस देश में खून खराबा कराने की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ना तो ये इंसान है और ना ही ये साधु संत है। तो क्या कहेंगे, जानवर कहेंगे आप? तुम्हें कमाल बात है यार, जानवर किसी को ये कहता है? जानवर किसी के कत्ल करने की बात कहता है? कभी सुना आप? बल कहां से मिलता है सर? कहां से बल कहां से मिलता है? स्वाभाविक है, सरकार से मिलता है भाई। मैं तो कहा ना आपको, मोदी जी थोड़ी कह रहे हैं भाई, मैंने तो कहा ना आप, मोदी जी कह नहीं रहे तो मोदी जी इस बात को सुनकर चुप क्यों बैठे हैं? सर बताओ ना, इस बात किस बात का, किस बात का काम है जो ये सारी की सारी बातें दुनिया भर में फैल रही हैं और लगातार ये सब कुछ मीडिया में चल रहा है? मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा? मोदी जी क्यों इन लोगों को सिर्फ एक बार अगर मोदी जी ने एक बार ढंग से इनको कह दिया कि आइंदा से एक शब्द भी ऐसा मैं सुन न लू, नहीं तो बख्शूंगा नहीं किसी को भी, ये सारे के सारे सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबके। क्या हो कहा था कि दिल से माफ नहीं करेंगे, वो फिर कह रही है चक्कू उठा लो, पना लो, अपने चक्कू तैयार रखो। तो भाई मैं समझता हूँ वो साध्वी प्रज्ञा अगर उसके बाद भी ये कह रही हैं, तो ये तो मोदी जी के मुंह पर तमाचा मार रही हैं वो, तो मेरे लिए और आपके लिए तो कुछ नहीं है, मोदी जी के मुंह पर तमाचा है, मोदी जी दें इस बात का जवाब कि भैया जिससे तुम माफ नहीं कर रहे हो, तो फिर भी ऐसा कह रही है कि चक्कू पहना लो, जो ना जाने कब काम आ जा, इससे जो सब्जी कट सके तो गर्दन भी कट सके। बीजेपी की सरकार है, चक्कू बनाने की बात करें, क्या कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी? नहीं देखिए, खुद अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है कि ग्रैजुएट हो सकता है, आप तैयार हो, क्या वजह आपको लग रहा है? अरुण जी मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ध्यान होगा आपकी बहुत वीडियोस में मैंने ये बात कही है कि सरकार लगातार इस देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने के लिए काम कर रही है, मैंने लगातार कहा ये बात, और अब उनके ही लोगों के मुंह से ये बात अगर निकल कर आ रही है तो मेरी बात वो सही थी। मैं लगातार इस बात को कर रहा हूं, आपको मैंने गुजरात चुनाव के विषय में बताया था, गुजरात चुनाव की घोषणा होने से 4 महीने पहले बताया था, आपने पूछा था, ध्यान होगा आपको, आप जब गुजरात गए तो गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, मैंने कहा मोदी की सरकार बनेगी, बनी ना बनी। ये जो सारी चीजें हैं ये सब एक खास मकसद के लिए लोगों को बाकायदा छांटा गया है, उनके माध्यम से सारी चीज कह ली जा रही है। तो जो लोग गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, कत्ल करने की बात कर रहे हैं, पूरे समाज को कत्ल करने की बात कर रहे हैं, छुरी और तलवार रखने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है सर, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया है, ओबीसी समाज को शुभकामनाएं देंगे? इसमें शुभकामनाएं क्या देनी है ओबीसी समाज को? मैं समझता हूं अब तो नींद से जाग जाना चाहिए, इतनी तगड़ी आर लगा दी, आर समझते हो ना? आप तो गांव के आदमी हो, जो पैना होता था ना
बैल को और भैंस को जब बुग्गी वगैरह में या हल में जुड़े होते थे तो तब उसको जो हांकने के लिए एक नुकीली लोहे की वो होती थी। मैं समझता हूँ तो पूरी आर घुसेड़ दी अब तो, ये तो आरक्षण खत्म करके ओबीसी का, तो ओबीसी को जाग जाना चाहिए भाई। कुछ पिछड़े लग रहा है, कुछ करेंगे मोदी जी पिछड़े हैं, मोदी जी छठे हुए बनिए हैं, आपको मूर्ख बनाने के लिए पिछड़े हैं भाई।